फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2020 एनईपी आप लोग जानते हो। आप लोग बार बार ये क्वेश्चन करते रहते हो कि भाई 2020 एनईपी में कब तक जो है लागू होगा। देखो, एक यूनिवर्सिटी है जिसने लागू करना स्टार्ट कर दिया है, अब धीरे धीरे जो है सभी यूनिवर्सिटीज ये काम करेगी। 2020 एनईपी लागू करने का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से जो उसमें एनईपी में रूल रेगुलेशन दिया गया है, ये बीएड का है, जाहिर सी बात है ये बीएड का है, तो हर नियम को जो है उसमें फॉलो किया जाएगा। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहां पर जो है ये जुलाई से जो है ये एनईपी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की जा रही है, वो हम जानेंगे। एंड साथ साथ झारखंड स्टेट से भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो बीएड स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखो, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं ना जहां पर अगर आप हम जहां की बात नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा बोल सकते हो कि उन बातों को दबा दिया जाता है। तो जहां भी बीएड स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, अगर उन्हें मतलब वो उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे सामने लेकर आए। तो उसके बारे में बात करेंगे। नई बोल सकते हो जो नियोजन नीति है उसके बारे में जो है विरोध किया जा रहा है झारखंड में, ये सब क्या है, सभी चीजों को डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यहाँ पर बीएड से रिलेटेड हर तरह के इन्फॉर्मेशन भी दिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है, एंड साथ ही साथ जो है क्लास भी प्रोवाइड किया जाता है जो हमारा 4 बजे का क्लास चलता है। चलिए, सबसे पहली चीज तो जो एक गुड न्यूज, शिक्षा नीति लागू हो रही है अब धीरे धीरे। ये हुआ यूपी में है, सबसे पहले यूपी में प्रयागराज में, आपको मैं बताती हूँ, ये राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, इसने सबसे पहले 2020 एनईपी को लागू किया। देखो, लखनऊ तो वैसे भी एनईपी 2020 एनईपी को फॉलो कर ही रही है, बट अब यहाँ पे ऑफिशियली जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है कि ये 2020 एनईपी को लागू किया गया है। सारा डेटा सब कुछ जो है वो भेज दिया गया है, वहां से जैसे अप्रूवल होगा वो ये लागू कर देंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखो क्या बोला गया है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र से नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी। नई शिक्षा नीति के अनुसार एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है सारी चीजें इसमें की जाएगी। एनईपी 2020 में आप सब जानते हो कि क्रेडिट सिस्टम भी है। इसका प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को जो है भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। एनईपी लागू होने पर स्नातक छात्रों को प्रथम वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, देखो जैसे आप जानते हो ना कि ग्रेजुएशन में जैसे फर्स्ट ईयर में अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की और सेकेंड ईयर नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पे सिस्टम ये लागू किया गया है एनईपी 2020 में कि अगर 1 साल बच्चा पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ता है द्वितीय के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, और पूरा 3 साल जब कंप्लीट करता है तो डिग्री मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर आपने 1 साल ही कंप्लीट किया ग्रेजुएशन और छोड़ दिया किसी रीजन से तो आपको कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिलता था जब तक कि आप 3 साल पूरा कंप्लीट ना कर लो। तो ये चीजें जो है लागू कर दी जाएंगी। इसमें जो कुलपति हैं प्रोफेसर सीमा सिंह, इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक कार्यक्रम जुलाई सत्र से शुरू करने की जो है ये लोग काम कर रहे हैं। यूजीसी को प्रस्ताव भेज दिया गया है, ये सभी चीजें हैं यहाँ पर। और भी है कि पाठ्यक्रम में जितनी पढ़ाई उतनी डिग्री का प्रावधान होगा, आप अगर आप 1 साल कंप्लीट करोगे तो 1 साल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ोगे डिप्लोमा, 3 साल पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिग्री मिलेगी। एक और चीज इसमें मैं बता दूं, स्किल डेवलपमेंट के लिए खुलेगा सेंटर, ये भी बोला गया है कि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वहां पे सेंटर ओपन किया जाएगा। एंड साथ साथ अगर बच्चे स्किल डेवलपमेंट का क्या है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, उसके बेस पे आप अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आपको कैसे करना है ये चीजें बताई जाएंगी। तो ये गुड न्यूज है, बहुत अच्छी चीजें जो है अब लागू हो रही है, और स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ये सभी आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आइए दूसरे इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जो कि है झारखंड से। देखिए, झारखंड में नियोजन नीति बनी है उसको लेकर के विरोध हो रहा है, और बहुत जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। झारखंड नीति को जो है बदलने की बात की जा रही है। इसी से रिलेटेड ये चीजें हैं कि स्टूडेंट्स जो है, जो छात्र है, उन्होंने जो है ये विरोध की, जिसकी वजह से जो है लाठी चार्ज किया गया है। ये विरोध कहाँ हुआ है तो मैं बता दूं, रांची में हुआ है। नीति विरोध, जो नियोजन नीति है विरोध में, मुख्यमंत्री आवास घेरने जाने के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सोमवार को पुलिस ने लाठी चटकाई।
इसमें ये सभी चीजें जो है बच्चों के साथ हुई है। देखो एक तो इतनी गर्मी है, इसमें बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ ये चीजें हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ झारखंड से, ये है बीएड स्टूडेंट, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये हम इंफॉर्मेशन, ये न्यूज हम बहुत दिनों से देख रहे थे और कल को फिर से ये मुद्दा उठाया। हमें लगा कि यूनिवर्सिटी ने सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन पे काम नहीं हुआ। तो फिर से कल जो है ये बच्चे यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। ये क्या मामला है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है बीएड सेमेस्टर टू, जो सेकेंड सेमेस्टर होता है, उसमें मोस्ट ऑफ बच्चों को फेल कर दिया गया है। तो इनका ये कहना है कि कॉपी जो चेक हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो वो कॉपी रीचेक करवाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नर्सिंग के स्टूडेंट थे उन लोगों को जो है फिर से उनको पास कर दिया गया है, लेकिन बीएड के स्टूडेंट को पास नहीं किया गया है। बीएड के स्टूडेंट को सभी को फेल कर दिया गया है। ये क्यों हो रहा है यही बच्चे पूछना चाह रहे हैं, और इसी के लिए जो है ये धरना पे बैठे हुए। कहाँ पे हो रहा है मैं बता देती हूँ, ये धनबाद का है। धनबाद बीबीएमकेयू के बीएड सेमेस्टर टू के फेल छात्र छात्राओं ने सोमवार को बीवी प्रबंधन के खिलाफ शहर के रणधीर वर्मा चौक पर धरना शुरू कर दिया है। बीएड छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा की कॉपी जांच में हुई गड़बड़ी को सुधारा जाए। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पद से हटाने की मांग की है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को जो है इंटर्नशिप के लिए आप लोग को भेजा जाता है, तो वो जो भेजा गया है वो इनके घर से काफी दूर है। काफी दूर कहने का मतलब कि 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे कि वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे इंटर्नशिप होना है। और सुबह 7 बजे का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम, तो आप समझ ही सकते हो कि ये 30 से 50 किलोमीटर आपके स्कूल में जाकर के पहुंचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इस बात पर भी ये बात करें कि कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में, 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो है इनको इंटर्नशिप के लिए स्कूल अलॉट किया जाए। जो अलॉट किया गया है वो काफी दूर है, तो इसी के लिए जो है ये स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो हमारा बस एक बोल सकते हो कि मकसद ये था कि इनकी बातों को, इनकी आवाज को जो है आप तक भी पहुंचाए, ताकि बाकी और भी जो स्टूडेंट है नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी सारे कोर्सेज को जो है आप वैल्यू देते हो, जैसे किसी में था नर्सिंग जो स्टूडेंट थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था, तो उनको पास कर दिया गया, बट इनके साथ क्यों नहीं किया गया। तो ये सभी चीजें जो है हो रही हैं, चल रही हैं, जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। और कोई इन्फॉर्मेशन आता है जो कि बीएड स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो डेफिनेटली हम लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस।